मैं अक्सर ऐसा सोचता हूँ कि बातें, किसी की भी बातें रैप्ड की हुई गिफ्ट्स की तरह होती हैं। कोई रैपर चमकीला होता है, बहुत महंगा होता है, कोई रैपर हैंडमेड पेपर की तरह खुरदरा होता है और कोई रैपर रेगुलर होता है। रैपर खोलते हैं तो असल जो बात है वो अंदर होती है। मैं मीठा नहीं खाता। क्यों, कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, प्रॉब्लम तो कोई नहीं है। मैं मीठे को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। थोड़ा मुझसे खाया नहीं जाता और एक ही बारी में बहुत ज़्यादा खा लेता हूँ तो अच्छा फील नहीं होता। जिन जनाब के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ, वो मुझे ठूंस ठूंस कर मीठा खिला देते हैं। नहीं नहीं, हमेशा की तरह आप इस बार भी गलत समझ रहे हैं। वो मुझे लड्डू, बर्फ़ी, पेड़ा या गुलाब जामुन नहीं खिलाते। वो इन सब तुच्छ चीज़ों से बहुत आगे बढ़ चुके हैं, बहुत ऊपर उठ चुके हैं। वो इतने महान हैं कि खुद चाशनी में जलेबी की तरह डूबे हुए हैं और उनकी जुबान शुगर फैक्ट्री की तरह चलती है। कभी कभी उनकी बातें सुन के उन पे तो शक होता ही होता है, बल्कि अपने आप पे भी शक होने लगता है। मैंने कभी किसी जगह पे पढ़ा था, स्वीट टॉक्स डज नॉट ऑलवेज मीन्स स्वीट हार्ट, डोंट गेट ट्रिक्ड। यानी मीठी बातें करने वाला हमेशा दिल का अच्छा नहीं होता। धोखा मत खाएं। मुझे क्यों लगा कि मैं स्वीट टॉक्स पे आपके साथ थोड़ी बहुत बात करूं? इसलिए क्योंकि पिछले दिनों मैंने आयरिश पोएट सीमस हेने की कविताएं पढ़ते हुए एक जगह पढ़ा, उसने लिखा था, सस्पेक्ट टू मच स्वीट टॉक बट नेवर क्लोज योर माइंड। मीठी मीठी बातों पर शक करो, लेकिन उनकी ओर से अपना दिमाग मत बंद करो। गुमशुदा बातों के तहत मैं वही बातें करता हूँ जिनसे मेरा और आपका कोई लेना देना नहीं है, जिनसे मुझे और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मेरी तरफ से और आपकी तरफ से जाएं खड्डे में। आप अगर ध्यान दें तो आपको अपने आसपास बहुत से स्वीट टॉकर्स दिखाई दे जाएंगे। अब तक मेरा जो इन महान आत्माओं के साथ पाला पड़ा है, उसके मुताबिक मुझे लगता है कि इनमें कुछ खास गुण होते हैं, कुछ विशेषताएं होती हैं। जैसे हमेशा इनके होंठों पे एक प्यार भरी नकली स्माइल रहती है। क्रोध को इन्होंने त्याग दिया होता है, क्योंकि क्रोध बुद्धि का दुश्मन है। अच्छाई बुराई को भी इन्होंने त्याग दिया होता है, यानी किसी भी चीज के अच्छा होने पर या बुरा होने पर, किसी भी इंसान के अच्छा होने पर या बुरा होने पर ये कुछ नहीं कहते। इन चीज़ों से ये ऊपर उठ चुके होते हैं और इतने ऊपर उठ चुके होते हैं जहाँ से इन्हें सिर्फ अपना अच्छा और बुरा दिखाई देता है। जब आपसे बात करते हैं तो ऐसे रिश्ता बना लेते हैं जैसे इनसे सगा कोई और आपका होता ही नहीं। प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन
हमेशा हर एक चीज पे कमाल का देते हैं और वो रिएक्शन होता है स्माइल। मैं जिन महान आत्माओं को जानता हूं उनके ऐसे ही कुछ गुण हैं। आप जिन स्वीट टॉकर्स को जानते होंगे मे बी एक आध गुण कोई कम होगा या एक आध गुण ज्यादा होगा। देखिए मैं स्वीट टॉकर्स की बात कर रहा हूं और आपके ध्यान में आपके ख्याल में कितने चेहरे घूमने लगे, कितने नाम आने लगे। मेरे भी दिमाग में एक चेहरा घूम रहा है और वो चेहरा है मेरे स्कूल टीचर का। अंग्रेजी पढ़ाते थे हमें, होमवर्क भी मिलता था, वो अक्सर होमवर्क ज़रूरत से ज़्यादा देते थे हमें। काम पूरा नहीं हो पाता था तो अगले दिन बड़े प्यार से पहले बेंच पे खड़ा करते, फिर बहुत स्वीटली कहते थे, बेटा हाथ आगे करो, शाबाश, हाथ आगे करो। हम हाथ आगे करते थे तो जो उनके हाथ में डंडा होता था जोर से मार देते थे, फिर दूसरा हाथ, फिर बड़े स्वीटली कहते थे, तुम्हें क्या लगता है तुम्हें मार के मुझे खुशी मिलती है? बिल्कुल भी नहीं बेटा, हाथ आगे करो। तुम्हें क्या पता जब डंडा तुम्हारे हाथ पे पड़ता है मेरे दिल पे चोट लगती है। और बोलते बोलते फिर जोर से मार देते थे, हाथ दुखने लगते थे, लेकिन हम सोचते रह जाते थे कि मास्टर जी का कितना दिल दुखाते हैं हम काम पूरा ना करके। यानी मारते भी थे, चोट भी पहुंचाते थे और हमारी सिंपथी भी खुद ले जाते थे। सभी स्वीट टॉकर्स मेरे मास्टर जी की तरह होते हैं, चोट भी पहुंचाते रहते हैं, दर्द भी देते रहते हैं और स्माइल भी करते रहते हैं। अब सीमस हिने ने अगर इनसे सावधान रहने के लिए कहा है तो यकीनन कुछ सोचकर ही कहा होगा। अब इतना बड़ा पोएट कोई ऐसे ही बात तो नहीं कर सकता। एक मुहावरा है, बगल में छुरी मुंह में राम राम। इस मुहावरे का अवतरण यानी इस मुहावरे ने अवतार इन्हीं महान आत्माओं के लिए लिया है। मैं अक्सर ऐसा सोचता हूं कि बातें, किसी की भी बातें रैप्ड की हुई गिफ्ट्स की तरह होती हैं। कोई रैपर चमकीला होता है, बहुत महंगा होता है, कोई रैपर हैंडमेड पेपर की तरह खुरदरा होता है और कोई रैपर रेगुलर होता है। रैपर खोलते हैं तो असल जो बात है वो अंदर होती है, लफ्ज़ों के भीतर होती है। स्वीट टॉकर्स की बातों पे तो एक एक्स्ट्रा रैपर चढ़ा होता है स्वीटनेस का। मुझे ऐसा लगता है कि जो स्वीट टॉकर्स होते हैं असल में वो कड़वा सोचते हैं। आप जानते हैं कि बनाने वाले ने कान दिमाग के नज़दीक क्यों बनाए हैं? ताकि जो हम सुने वो सुनने से ज़्यादा समझें।